아전 이제 오 오케이 아이템 내게 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम हे पीपल हाउ आर यू। तो यार आज एक छोटा सा सडन प्लान बना हमारा इत्तेज़ाज़ भाई जो मेरे हैं दोस्त जो आपने जो है ना उस वीडियो में देखे होंगे यार पिशावर टूर में और मरी टूर में, तो उनकी कल मुझे सडनली रात को 9 बजे कॉल आई तो कहते हैं कि यार बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल की तो उधर चलते हैं। तो मैंने भी कल ही युहाना जो है उनकी वीडियो देखी थी, तो मैंने कहा कि चलो, मैंने उनको यही कहा कि मैंने कहा यार आज ही मैंने उनकी वीडियो देखी है, तो कहते हैं यार प्लान कर रहे हैं तो चलते हैं। तो मुरव्वत भाई लाहौर होते हैं, बाकी सारे शालकोट होते हैं, तो मुरव्वत भाई भी शालकोट गए हुए थे, तो सिर्फ मैं ही था लाहौर, कुछ दो दोस्त उनके अपने इत्तेज़ाज़ भाई के, उनके साथ जाना। तो अभी बस रेडी हो रहा था, टाइम ऑलमोस्ट हो गया 4:18। अब नज़र आ जाओ 4:19 हो गए, तो अब वो बस 10-15 मिनट में आ रहे हैं। तो मैं शूज़ पहन रहे हैं, ये बाकी सारी चीज़ें बैग में रखूँ, तो फिर मैं जाना रेडी हूँ, तो फिर वो आते हैं, तो फिर आके सफ़र स्टार्ट करते हैं। होपफुली सफ़र अच्छा रहे। जो चैनल पे नहीं हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक कमेंट जो भी करना कर दें, और भाई के दुआओं में याद रखें और व्लॉग एंजॉय करें। सो यार ये सब कुछ अभी जाएगा उसके बैग के अंदर, चार्जर्स, पावर बैंक और ट्राईपॉड, ये वॉलेट है और जैकेट्स, क्योंकि उधर सर्दी है। वो शर्ट जो मैं वो शर्ट मैंने अभी पहनी है, मेरी वॉच यार मैंने ये स्टेप चेंज किया, तो यार आप लोग बताएं स्टेप कैसा है, अच्छा है ये वाला ब्लैक एंड वाइट में। तो ये ट्रैवलिंग पिलो मेरा दूसरा पिलो जो है वो उधर रह गया बेल्ट, तो काफ़ी गंद मच गया। तो सो यार इत्तेज़ाज़ भाई आ गए, तो अब मैं बाहर गाड़ी में बैठ रहा हूँ, तो सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो यार अभी हम रुके हैं चक्री के स्टॉप पे, ये सांबा से पहले लास्ट स्टॉप है, ये हमारी गाड़ी, मैंने तब दिखाई नहीं, तो इत्तेज़ाज़ भाई ड्राइव कर रहे थे। तो अभी हम इधर थोड़ा कुछ नाश्ता वगैरह थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, तो उसके बाद फिर अब आगे निकलते हैं। अभी आगे कितना है? आगे अभी 174 किलोमीटर है। 8 बज गए, 5 बजे हम निकले थे, तो 5:30 निकले थे, सही है, तो 2.5 घंटे 3 घंटे में हम इजीली इधर पहुंच गए। आगे इस्लामाबाद कितना है? इस्लामाबाद तो सिर्फ 90 किलोमीटर रह गया, 90-80 किलोमीटर नहीं कम है, 90 पीछे देखा था हमने, अब 70 रह गए। चले लेट्स सी, देखते हैं।
सो अभी हम कोई 6-7 किलोमीटर दूर है, तो ये चढ़ाई है सारी, तो इधर हम खाना खाने के लिए रुके, तो खाना खाते हैं तो फिर मैं तो ये हमने गाड़ी पार्क की है, तो अब ये सारा हमने ट्रैक करके ना नीचे जाना है। तो वो कह रहे थे कि ना जो है गाड़ी नीचे चली तो जाती है, बट नीचे रश बहुत ज़्यादा है, तो जिस वजह से आपको मसला होगा वापसी ऊपर आते हुए, तो इसलिए आप इधर ही पार्क कर दें। तो इधर से 15 मिनट की भी हाइकिंग कह लें डाउन है ये, तो डाउन की तरफ हाइक करना है, फिर बाद में ऊपर भी आना है हाइक करके। Yes. क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अभी तो हम जाएंगे नीचे, फिर जाके देखेंगे। नीचे जाने में तो मसला नहीं है, आने में मसला है। आने में मसला होगा। जाने में तो कोई नहीं, जाने में तो मजे से जाएंगे हम। आने में तो पता लगेगा। हमने आउटडोर वॉक स्टार्ट कर लिए घड़ी पे, तो अब देखें कितनी वॉक होती है, और हम नीचे जाके देखेंगे टोटल कितनी देर लगी है हमें। तो मैं इसलिए ये चीज कर गया था, मैंने एक दो वीडियोस देखी थी, तो पहले शूज़ पहन के आया था, मुझे पता था कि इस तरह की ट्रैकिंग है। मैंने फिर भी ना वो फ्लैट है। कोई नहीं, अरे ये जो सूरज जा रहा है और आ रहा है ना, ये बड़ा सीन है। इधर से कहीं थे नजर आ रहा नहीं, अभी तो हम मजे से नीचे जा रहे हैं, वापसी आते हैं, पता लगेगा क्या होगा। कोई बात नहीं, वी कैन डू करेंगे करेंगे यस। So how's your feeling? Feeling very great. Bigger? Inshallah, it will worth it. यहाँ से भी जा सकते हैं हम, और ये तो बहुत डेंजरस है यार। चलो उधर से ऐसे बचत होगी इधर से, इधर से स्लिप। इस तरह की भी जरा ये इस पे पाऊंगी ये ऊपर कहीं भी बर्फ नहीं है और नीचे ठंडा पानी आ रहा है। चलो 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 नीचे जाके आपको सही दिखाते हैं। सो यार मैंने इस ट्रैक को जितना छोटा हो सकता था मैंने आप लोगों के लिए किया है कि इसको मैं कम से कम डालूं वीडियो में, बट ये है कि ट्रैक बहुत लंबा था, 45 मिनट का ट्रैक था सिर्फ नीचे जाने के लिए, और ट्रैक बहुत ख़तरनाक था। हम रास्ते में काफ़ी दफ़ा गिरे हैं, एक दो दफ़ा मैंने वीडियो में भी डाला है, बट हम इससे ज़्यादा दफ़ा गिरे हैं। बट ये है कि ट्रैक करके नीचे जाना और जाके जो व्यू थे वो बहुत ही मज़े के थे। तो एक तो रश बहुत ज़्यादा था, रश की वजह से कुछ हमारा ट्रैक का जो डर था ना हमारा, यानी कह लेंगे जो डेंजर था वो बढ़ गया था, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। एक साइड पे दो बंदे एक टाइम पे क्रॉस नहीं कर सकते थे, एक साइड वाले रुकते थे दूसरी साइड वाले फिर आते थे, इस तरह कर करके हम 45 मिनट में पहुँचे। वॉक भी हमने रिकॉर्ड की सारा कुछ,
तो एट द एंड जो है एंड ऑफ द डे हमें बहुत मज़ा आया ट्रैक का। So finally we are finally